आध्यात्मिक गुरु स्वर्गीय भय्यू महाराज की आत्महत्या के बाद पहली बार उनकी बेटी कुहू दत्त जयंती महाउत्सव के आयोजन में भाग लेने इंदौर पहुंची। पहली बार आश्रम में आयोजित में पहुंची कुहू ने कई मामलों पर अपनी राय रखी। पहली बार मीडिया से रूबरू होकर कुहू ने कहा कि फिलहाल वह अपनी पढ़ाई जारी रखते हुए साथ में अब आश्रम से जुड़े मामलों पर भी ध्यान देगी। देखिए टाइम्स टुडे इंडिया की ये खास खबर। आपको बता दें कि ट्रस्ट का सदस्य बनने के लिए जहां कुहू ने आवेदन कर चुकी हैं, वहीं अपने पिता की आत्महत्या के मामले में सीबीआई की जांच की मांग करने की भी बात कही। अपने पिता की दूसरी शादी पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि डॉक्टर आयुषी उनके पिता की दूसरी पत्नी तो है, लेकिन वह मेरी माँ नहीं है। पारिवारिक तनाव के बीच न्यायालय पर भरोसा जाहिर करते हुए कुहू ने कहा कि न्यायालय पालिका पर मुझे पूरा भरोसा है। पिता की मौत के मामले में सीबीआई जांच से भी सच्चाई सामने आ सकती है, क्योंकि पिता ने कभी भी तनाव या परेशानी का जिक्र मौत से पहले नहीं किया था। कुहू के मुताबिक पिता की मौत से 7 दिन पहले वो लोग साथ में थे, लेकिन किसी तनाव की बात सामने नहीं आई थी। एक बार फिर कुहू ने पिता की दूसरी शादी पर आपत्ति जाहिर करते हुए कहा कि उनके पिता ने किसी दबाव में आकर दूसरी शादी कर ली है। कुहू ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि भविष्य में वह ट्रस्ट के संचालन को समझकर उसका सुचारू रूप से संचालन करने का प्रयास करेगी। आज आपने चर्चा की है, किस विषय को लेकर आज आपको? आज बेसिकली इसलिए बुलाया है सबको कि सबको 2 साल से मैं ज्यादा दिखी नहीं हूँ। जी, जैसे मैंने बोला कि अभी मैंने चालू किया है, पहले जैसे मैं तो बहुत छोटी थी जब पापा ने ये सब चालू किया, तो अभी पापा के जितने भी फॉलोअर्स